वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। तो ये है शिवानी। अब आप सबको पता होना चाहिए शिवानी कौन है, क्योंकि थिंग्स ओनली यंगर सिब्लिंग्स विल अंडरस्टैंड में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दे चुका है इसका। ओके, तो आज है सिस्टर्स डे और ये वीडियो स्पेशली मतलब टाइम मिला के उसकी जगह की और इस जगह की टाइम मिला के बन रही है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, इसको भी कुछ नहीं पता कि आगे कौन सी फोटोज आ रही है और मुझे भी नहीं पता कौन सी फोटोज रैंडमाइज है। एंड क्योंकि यंगर सिबलिंग वाली वीडियो में मैं थी बोलने वाली, तो अभी ये बोलेगी फोटोज जो जो दिखाई जा रही है उसकी कहानी। सो शी गेट्स अ टर्न। ओके, तो एक और बात सीक्रेट बताऊं क्या? ये सीक्रेट के लिए लास्ट तक इंतजार करना। स्ट्रीमर्स पे अब चलते हैं पहली फोटो की तरफ। कमेंट्स। ओ वाउवी, इसमें बड़ी अच्छी वाली फोटो दिखाई तुमने, एकदम ग्रूम्ड वाली, एकदम परफेक्टली रेडी हो। नाइस, अच्छा मिला ना तुम्हें। ये अच्छी फोटो पहले आई है, आगे आगे देखो होता है क्या। ओ नो, ओ माय गॉड, ये फोटो तो मैं क्या ही बताऊं। अब तुम क्या सुनना चाहती हो इसमें कि तुम्हारे एक्सपीरियंस इन गोवा सेकंड टाइम? जो बच्चा पहले पानी से डर के अपनी मम्मी की गोदी में चढ़ गया था, वो बच्चा पानी में ऐसे लौट के यहाँ डांस कर रहा है। देखो डांस का क्या मजे कर रहे थे वहां बैठ के, छई छपक छई के मजे लिए थे। आगे, वैसे बीच आउटफिट प्रॉपर बच्चों वाला है इस वीडियो में, इस फोटो में। अब बच्चे ही तो थे, 11-12 के बच्चे थे शायद, साल भी याद नहीं, पर जो भी था कोविड के पहले था। ये देखो, ये वो जमाना था जब थ्रेडिंग एग्जिस्ट नहीं करती थी इस दुनिया में। दिस इज प्रॉपर बच्चा फोटो, क्लास 6-7 नहीं, ये 10-11 की है। ये ग्रूमिंग चालू हो चुकी थी, नहीं मैं कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर शायद, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, हाँ तभी बाल अच्छे लग रहे, बट आईब्रोज हम दोनों के क्या ही बताऊं मैं। और हाँ, आज जो हम दोनों ब्लैक ब्लैक पहन के बैठे ना, ये प्री प्लान नहीं था। मैंने वीडियो ऑन करी, उसने वीडियो ऑन करी, तब पता लगा अरे हम दोनों तो मैच हो चुके हैं। तो ये बात नहीं है कि तुम लोगों ने मेंटेन नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फोटो इज ओ माय गॉड पर्पल जींस। ओ ये कलर्ड जीन्स वाला फैशन, और मेरी बहन को देखो, मेरा भाई बन के बैठी है इसमें। What will you गोल मटोल, इस भाई को नाम क्या दोगे? गोल मटोल नोना सिंह। मोटापा, मोटापा मैक्स, मम्मी के खाने से दोनों बच्चे एकदम फूल के गोल गोल लग रहे हैं इस फोटो में। एंड बाय चांस जो एक्चुअली ये था डांस कंपटीशन, नॉट कंपटीशन, इट वाज जस्ट डांस शो। तो इसमें ना जो गाना था वो अभी मेरे फील्ड से मैच करता है थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ, और थोड़ा बहुत जिसमें मैं पता है ना, डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा, मास कॉम की स्टूडेंट हूँ। तो गाना था टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, बस भागरा नहीं था वो गाना। बट ये फोटो में, बट ये फोटो में द बिगेस्ट ट्रेजेडी इज नोनी सिंह हेट्स बीइंग नोना सिंह सिंस बचपन। तो उसके लिए ये शैटरिंग मोमेंट था कि उसको लड़का बनना था इस डांस में। एंड आई हैड टू एनेक्ट तू हवा तू ऊर्जा। अच्छा अब मैं ज्यादा गा नहीं सकती वरना कॉपीराइट आ जाएगा, आगे बढ़ती हूँ वरना मैं गाती रहूंगी। नेक्स्ट फोटो, बर्थडे फोटो, किसका बर्थडे है ये? ओ माय गॉड, हेयर क्लिप तो देखो और चंपू हेयर स्टाइल, थोड़ा ज़ूम किया जाए इस फोटो को, ज़ूम करना पड़ता है। नोनी सिंह लग रहा है इस टाइम पे तुम्हारे तुम्हारे हाथों का मांस थोड़ा श्रिंक हो गया था। तुम वो छोड़ो, तुम कम खाना खा रही थी। हम कितने समझदार लोग हैं देखो, मतलब आई मैं कितनी समझदार हूँ, मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने थे केक से, सो मैं तुम्हारा ही हाथ मोड़ के। अरे हाँ, ये वो है कि इसको किसी को कुछ खिलाना पसंद नहीं है, कि अगर वो इंसान इसकी उंगली पे थूक या बाइट कर दे तो इसको उस चीज का बहुत डर है, तभी ये हाल है।
क्योंकि बचपन में मैंने तेरी उंगलियां खाई है ना, पता नहीं तू कब बदला ले लेते हो। बचपन में अरे बाबा, ये सारे छोटे बहनों का यही हाल है, भाइयों का भी हो सकता है, वही ओनली बहन है। ओके नेक्स्ट फोटो, यू विल लाफ। ओ माय गॉड, ये तो मम्मी की प्लानिंग है। लोनी बेटा फिर शिवानी की कॉपी कर लो। एंड इट वाज लाइक क्योंकि नीचे वाला हाथ तो नहीं है, इसलिए ऊपर कर रही हूं। करो 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 करो, फिर से करो करो ऐसे। माय गॉड, ये तो मम्मी की स्ट्रेटेजिकली टेकन फोटोग्राफ है केरला की। हम लोग धूप से जल चुके हैं इस फोटो में, एक्सट्रीम टैनिंग। ओके नेक्स्ट, लेट मी जस्ट चेंज द ओरिएंटेशन। ओह माय गॉड, ये फिर से प्रॉपर टूरिस्टी फोटोग्राफ। बैगी पैंट्स, हैरम पैंट्स बोलते थे इनको, और सैंडल। हाँ। और प्रिंटेड टी शर्ट। वाह, हम एकदम परफेक्ट टोमेटो केचप और मस्टर्ड सॉस लग रहे हैं इस फोटो में। और पीछे और ये क्या, टाइटैनिक का पोस्ट। ठंडा ठंडा पानी से नहाना, नहा नहीं रहे वो, पीछे डैम का थोड़ा सा ही दरवाजा खुला हुआ है। वैसे ये उपाधि मेरे को मेरे टीचर्स ने दी भी है कि मैं उस तरह से जॉइनिंग करती हूँ जैसे डैम के दरवाजे खुलते ही पानी आता है। सो दैट इज डिस्क्रिप्शन। ओह माय गॉड, आई एम द फर्स्ट वन टू जॉइन एवरी क्लास एंड कई क्लासेस में भी हूं। ज्यादा ही सिंसियर बच्चों होने का यही होता है फायदा। अरे पीछे डैम के ऊपर देखो तो हमारा पहला अक्षर लिखा हुआ है एन। ये तुम और तुम्हारा ऑब्सेशन ना खत्म हो कहीं, अपने सेल्फ लव ना खत्म हो। सो दैट्स गुड नाइट लव। ये फिर से उसी दिन की फोटो हो गई है। ये शो करता है कि मेरी बहन को मुझसे कुछ चाहिए होता तो वो बटरिंग ही करती रहेगी। और क्या वो लिपस्ट्रॉन्ग बैंड से मेरे हाथ में। Yes, yes, definitely. Oh my god, another fashion statement. हम 90s के बच्चों का lipstick bands. वैसे मेरे हाथ में क्या है ये? तुम्हारे हाथ में तुम्हारा favorite कोई bangle होगा? नहीं नहीं, वो देखो हाथ में कुछ गोलम गोल सा है कुछ। अच्छा नहीं, वो नीचे पड़ा हुआ होगा, मेरा हाथ वैसे मुड़ा हुआ है शायद, इसलिए ऐसा लग रहा है। Okay, anyways. हो जाता है। देखा, judgment problems. और ऐसा लग रहा है हम कोई गाना गा रहे हैं इस फोटो में, ऐसे ऐसे द सॉन्ग। इसमें एकदम तुम मेरी बहन लग रहे हो फॉर अ चेंज, थोड़े मस्त मौला टाइप की। व्हाट डू यू वांट टू से, अब नहीं हूं क्या मैं? हां पहले इंट्रोवर्ट थी पर अब मैं एक्सट्रोवर्ट हूं थैंक्स टू माय फ्रेंड्स। नहीं नहीं नहीं, पहले तुम बस नकलची बंदर थी, जो दीदी करेगी जो दीदी पहनेगी वो मैं करूंगी, एकदम सेम पोज सेम कपड़े। So that was how we learned fashion. Fashion. एक के एकदम curly बाल है, एक के एकदम straight बाल है. Fashion. देखो curly बालों का जमाना है. Okay. आगे बढ़ते हैं. Now this photo. अरे यार, ये मम्मी की special photography credits once more. बेटा स्कूल जाने के पहले ये पहनो, डीपीएस का प्रमोशन, और ये क्या हाउस पैचेस लगे हुए। चलो शुक्र है सेम हाउस में तो नहीं थे कम से कम। मेरा तो दो बार हाउस चेंज हुआ, आई मीन एक बार और हुआ, मतलब मैं दो हाउसेस में थी लास्ट ईयर में। मतलब हाउस चेंज क्यों ही करवाया, जो भी हो। दिस वाज द फर्स्ट डे जब हम दोनों एक साथ गए थे सुबह वाली बस में। That used to come at 6:30 और हमारी लड़ाई होती थी 5 बजे कौन उठेगा और 5:30 कौन उठेगा। तो आप गेस कर सकते हैं कि पहले कौन उठता था और बाद में कौन उठता था। अब उसका कारण हम बता नहीं। ओके पर ये देखिए फोटोग्राफर यानी कि मम्मी ने, जो कैमरा पर्सन रहती है स्ट्रीमर्स की, आज का लैपटॉप है जरूरत नहीं पड़ी कैमरा पर्सन। तो पैर कैसे मोड़ने हैं, सही बस हाथ पर। ओके आगे बढ़ते हैं, अब टाइम है वो सीक्रेट रिवील करने को, जो हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था आपको। आर यू एक्साइटेड? ऐसा हो गई क्योंकि आधे से कम लोग ही बच्चे होंगे। ओ
बात यू है कि ये है इसका इसका मेरा नहीं इसका शिवानी राजपूत का यानी कि मेरी दीदी का जो इसको मैं बोलती नहीं हूँ दीदी वो तो आप लोगों इसको मैं वो दूसरा नाम से बुलाती हूँ जो मैंने एक बार भी वीडियो में यूज नहीं किया ताकि आप लोगों को पता ना लग जाए। तो इसका है बजवीक और मेरे चल रहे हैं पेपर और इसके बर्थडे वाले दिन मेरा है एंट्रेंस एग्जाम सो आई हैव गॉट नथिंग टू डू फॉर हर एज ऑफ नाउ सो दिस वीडियो विल आल्सो बी ट्रीटेड एज अ बर्थडे वीडियो ओह माय गॉड थैंक्स ये ऐसा एहसान वाला थैंक्स क्यों था क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है ना उस दिन इसलिए हां तो ऑल द बेस्ट नहीं बोलना होता ऑल द बेस्ट की क्या जरूरत है तुम तो खुद ही अच्छा कर ही लोगे एग्जाम इसे कहते हैं फुल कॉन्फिडेंस ट्रस्ट ट्रस्ट बोल ट्रस्ट है मुझे तुम पे कुछ ना कुछ तो तुम ढंग का कर ही लोगे बस बस ज्यादा उड़ो मत उड़ो मत उड़ो मत नीचे आ जाओ तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है आशा है आपको हमारे बचपन की फोटोज देख के यानी कि हमारी कोविड के पहले की फोटोज भी देख के आनंद आया होगा आया क्या हमने तो अपने पुराने जीवन जी लिए आपके पास भी ऐसी कोई फोटो हो तो इंस्टाग्राम पे हमें टैग करके डाल सकते हैं @streamers_with_navneeta हम दोनों का कॉम्बाइन लाइक शेयर सब्सक्राइब हम दोनों का कॉम्बाइन अकाउंट तो हम दोनों देख लेते हैं इसको विच करना चाहे एक हफ्ते का ऑफिस भी कर थैंक यू